हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के बारे में। 30 जून 2020 है आज, और 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल विडो डे मनाया जाता है। तो इस डे की शुरुआत साल 2005 में लूमा फाउंडेशन के द्वारा की गई, और इसको पूर्ण रूप से मान्यता 23 जून 2010 को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दी गई। असल में ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो जाती है, तो हम उनको विडो या फिर विधवा कहा जाता है। हमारे भारतीय समाज में ऐसी महिलाओं को एक अभिशाप माना जाता है, और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, उन महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए, उन महिलाओं के प्रति एक दया भाव रखने के लिए और इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी, वे महिलाएं अपने आप को अपने पति की चिता पर बैठकर खुद को जला देती थी, और इस प्रथा को सती प्रथा का नाम दिया जाता था, यानी सती प्रथा कहा जाता था। ठीक है, और सबसे पहले सती की बात करें तो सबसे पहले 510 ईस्वी में भानुगुप्त एक राजा हुआ था मध्य प्रदेश में, जिनका एक एरण अभिलेख है, और उसमें किसी व्यक्ति यानी किसी स्त्री के सती होने की बात कही गई है, जिसमें एक राजा भोज राज हुए और इनकी मृत्यु पर उनकी पत्नी जो थी वो सती हुई थी। तो ये सती प्रथा 1829 में राजा राम राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से समाप्त कर दी, और इसको धारा 17 लगाकर समाप्त किया गया, यानी कि उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया धारा 17 लगाकर। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि ऐसी स्त्रियां जिनकी पति की मृत्यु पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, परंतु 1856 में ईश्वरी चंद विद्यासागर की अभूतपूर्व प्रयासों के बावजूद 1856 में पहली बार प्रथम विधवा विवाह आयोजित किया गया, और इसी वर्ष विधवा पुनर्विवाह कानून भी आया। तो इसको मनाता कौन है, इसे मनाता है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क यूएसए में है, और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है, एंटोनियो गुटेरस। थैंक्स।